वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत चार घंटे तवील काबीना इजलास, 56 निकाती एजेंडे पर गौर, बड़ी मंजूरियां भी दे दी गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, डॉक्टरों की आर्जी तकरूरी और अलाउंस में इजाफा, किसान कार्ड और यतीम तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए तरीकाकार, पंजाब ड्रग रूल 2007 में तरामीम और प्लग एंड प्ले गारमेंट सिटी के कयाम की मंजूरी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श, बिजली के 9 तकसीम कार कंपनियों का बोर्ड तहलील करने की मंजूरी, मेपको फेस्को के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला, कंपनियों में प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। एक्सल लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के नाम पर मुबैना लूटमार, सर्फी सर्वर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 4 रोज एहतजाज, पेट्रोलिंग पुलिस के खिलाफ एहतजाज कैंप लगा लिया, गाड़ियां खड़ी होने से हजारों मजदूर बेरोजगार, नजायज तंग किया जा रहा है, मुजाहरीन का इल्जाम, लोड 3 सेक्टरों से बढ़ाकर 10 सेक्टर करने का मुतालबा। हम ये चाहते हैं कि सख्त सर्वर से इम्तियाज सलूक दूर किया जाए। सख्त सर्वर के लोग इंतहाई सादा और मेहनतकश लोग हैं और मुल्क के अंदर वो अपनी खिदमत का हिस्सा डालना चाहते हैं। मोटरवेज हाईवेज पर टोल टैक्स में इजाफा मुस्तरद करते हैं, 40% तक इजाफा किया जाएगा। 40% तक इजाफा करना ट्रांसपोर्टर्स का मौशी कत्ल है। सदर राहुल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स फेडरेशन मुल्तान राना असकर कहते हैं मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जनूबी पंजाब में पारा दोबारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया, कामकाज पर जाने वाले शहरी गर्मी से परेशान, रहीम जहां में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 44 डिग्री रहा, मुल्तान बहावलपुर डीजी खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड, मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में आज पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। चौबीस घंटे में पंजाब में खसरा के 116 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट, मुल्तान में 15 बच्चों में खसरा की तस्दीक, बहावलपुर में 6 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट, रवा साल 15,037 खसरा के केसेस रिपोर्ट हुए, 24 घंटे में कोई बच्चा जान भाग नहीं हुआ। म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली अफरादी कुवत की कमी का शिकार, मुख्तलिफ असामियां तैनातियों की मुंतजर, एमओ प्लानिंग और एमओ फाइनेंस की असामियों भी खाली, ऑफिसर्स की जगह क्लर्कों से काम लिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में 2 छुट्टियां मिल गईं, टीचर्स की आसानी के लिए हफ्ते के दिन वीकली ऑफ का ऐलान कर रहा हूं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं पीर से जुमा तक तदरीसी औकाते कार बढ़ाए जाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी सब कैंपस का मामला, तुलबा को गैर कानूनी कैंपस में दाखिले से रोक दिया गया, तुलबा अपने पैसों और वक्त का ज्यादा ना करें, एचईसी ने अलर्ट जारी कर दिया। तोनसा में ताजरों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज, मेपको की गाड़ी का घेराव, कलमा चौक पर नारेबाजी, रोजाना 10 घंटे लोड शेडिंग, हफ्ते से ट्रांसफॉर्मर खराब, मुजाहरीन के मुताबिक हजारों रुपए बिल आ जाता है, बिजली आती नहीं। महंगी बिजली ताजरों के लिए भी मुश्किलात का सबब है, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान ख्वाजा शफीक की धमकी, बोले बिलों का बायकॉट कर देंगे, ताजरों को बाहर निकलने भी अपील कर दी। नए टैक्स नामंजूर, पाकिस्तान कॉटन जर्निंग एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन चौधरी अरशद वहीद मैदान में आ गए, कहते हैं कॉटन नहीं खरीदेंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, टैक्सों के नफाज का फैसला फौरी वापस लिया जाए। बहावलपुर और रहीम यार खान बॉल चौकिंग से पाक, दीवारों पर पेंट, मुख्तलिफ रंगों की अमेजिश से शहरों की खूबसूरती में इजाफा, कायद आजम इलामा इकबाल की तस्वीर बना दी गई। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की मुबैना नाअहली वबाले जान, दही मरकज सेहत रंगपुर में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात एक्सरे फिल्में भी अरसा दराज से नायाब, एमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी गायब।
बोरेवाला में मेपको की मुबैना ओवर रीडिंग बबाले जान, 6 से 8 इजाफी यूनिट डालकर बिल 3 गुना कर दिया गया। दफातर में बिल दुरुस्त कराने वालों का रश, जितने यूनिट सर्फ हुए उनका बिल लिया जाए सार्फीन का मुतालबा। तहसील ऑफिस हासिलपुर के ताजीनो आरइश ज़ेरे इल्तवा, मसाइल के हल के लिए दफ्तर का रुख करने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना, ठेकेदार ने फंड्स की अदम दस्तयाबी ताखीर की वजह करार दे दी। BISC सेंटर हारूनाबाद में सहूलियात का फुकदान, पीने के लिए पानी तक नहीं, बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं, बगैर कटौती रकम नहीं मिलती, खवातीन का इल्जाम, किसी से भी कटौती नहीं की जाती। इंचार्ज लियाकत अली का मौकिफ, उधर लियाकतपुर सीनियर पर एजेंट माफिया सरगरम, इमदादी रकूम के साथ मरीज हैं, मेरे को चार आने को नहीं, जड़ी मैं दुआ लाया वहाँ जे इन्होंने दे क्या दुआ लियाई, दिमाग का मसला 10 गेड़े हो गए, आंदिया तो पैसे नहीं देंगे, पैसे आखा 2000 रुपया भी काट लो, काट के भी दे दो तो नहीं देंगे, सिफारिशा ला जाते उन्होंने फड़ लेंगे कार्ड साढ़ा फड़ते नहीं है, कहते पैसा फीस 2000 रुपया फिर फड़ा तो राशन कार्ड। मैं और मेरे साथ मेरे दो अमला बैठा है, हम दोनों गेट पे बैठे हैं, बेनिफिशियरी पैसे लेके जाते हैं, हम उधर को चेक करते हैं PCMS में, अगर किसी को कंप्लेंट आती है तो हम फौरन उसके हम डिवाइस बंद करते हैं। अलीपुर में अलकादिर कॉलोनी का सेवरेज सिस्टम नाकारा, गलियों में गंदा पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया, ताफुन फैलने से बीमारियां आम, सांस लेना भी महाल, 12 दरख्वास्तों पर अहमदपुर शर्किया इंतजामिया की गफलत, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर खराब, CHQ अस्पताल में आने वाले मरीज ठंडे पानी से महरूम, शहरियों का डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस देने का मुतालबा। कूलर लगे खड़े चलते भी खड़े, पानी भी गर्म है, ठीक है, इधर जेड़े वाले आने पानी गर्म है, ठंडा मिलता गया नहीं, इतनी गर्मी है, लाइन च लगे खड़े, ठीक है, घंटा घंटा लाइन च लगे रहे हैं, पानी बिल्कुल गर्म है, और जिता दो बंदे बांधे पर्ची देवण वाले उतना वो एक बंदा है, पानी बिल्कुल गर्म है, अरसा 10 साल तू ये कूलर खड़े थे जिमें खड़े। एक्साइज ऑफिस मुल्तान से लोधी कॉलोनी तक रोड का काम शुरू, 1.8 किलोमीटर सड़क की तामीर पर 17 करोड़ रुपए लागत आएगी, रोड के दरमियान आने वाले घरों को नोटिस जारी, शहरियों के मुताबिक सिंगल रोड से ट्रैफिक मसाइल का सामना था। मुल्तान में महंगाई की लहर बरकरार, सरकारी रेट नजरअंदाज, गिरा फिरोशों ने मर्सी की कीमतें मुकर्रर कर ली, अदरक 700, लहसुन 400 और प्याज 150 रुपए किलो, आम 140 से 160, सेब 280 रुपए किलो दस्तयाब। मुल्तान की होलसेल मार्केट में दालें महंगी, 700 रुपए इजाफे के बाद दाल मूंग 11,500 रुपए मन, आढ़तियों के मुताबिक पैदावार में कमी कीमतों में इजाफे का सबब बनी, गर्मी में दालों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। CPO मुल्तान सादिक अली के सिटी डिवीजन के अफसरान के साथ मीटिंग, क्राइम की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा, जुराइम पेशा अनासर के गिर्द शिकंजा सख्त करने की हिदायत। कोट अद्दू इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर ने दाया चोखा गर्भी में 6 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली, बासर अफराद स्कूल और उसके मुलहिका अराजी पर अरसा दराज से काबिज थे। मुल्तान में जनूबी पंजाब की तारीख में पहली बार कस्टम इन्फोर्समेंट की खसूसी अदालत कायम, एंटी स्मगलिंग के खिलाफ केसेस लाहौर की बजाय मुल्तान में सुने जाएंगे, खुसूसी अदालत कायम होने से रेवेन्यू की बचत और फैसले भी जल्द होंगे। PHQ अस्पताल कहरोड पक्का में नए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह, अवामी फलाह के मंसूबे हमारी अव्वलिन तरजीह हैं, मरीजों और लवाहिकीन को साफ पानी मिल सके, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोट छुट्टा इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहमी के लिए मुतहरिक, असिस्टेंट कमिश्नर का डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के हमराह सखी सर्वर का दौरा, सफाई सुथराई, सिविल अस्पताल, स्कूल्स, वाटर सप्लाई स्कीमों का जायजा, शहरियों के मसाइल भी सुने।
फहीम जाफान के जवानों को आईटी स्किल्स देने का वियर, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोर्सेज का आगाज। आईटी एक्सपर्ट रिंशा खान, रामीन जहीर का आगाही लेक्चर, नौजवान बाइसत रोजगार कमा सकेंगे। हमारे इदारे के अंदर काफ़ी सारे समर स्किल कैंप का इनेकाद हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो हमारी प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हम गेस्ट स्पीकर लेक्चर करवाते हैं, इंडस्ट्री से गेस्ट को बुलाते हैं ताकि बच्चों को रियल टाइम में उनको मोटिवेशन मिले और एक्सपीरियंसेस हों। जिला बहावलपुर में 5,69,000 एकड़ पर कपास साथ है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक कहते हैं पानी की मिकदार पर भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बारिश का पानी खेत में जमा ना होने दिया जाए। पार्क्स हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। मतनी और मदीना कॉलोनी पार्क में सहूलियात फराहम की जाएंगी, पानी की फराहमी के लिए पंप्स लगाए जाएंगे। मंसूबे पर 1,50,00,000 से जायद लागत आएगी। हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेस्क्यू 112, ट्रैफिक पुलिस के यूनिट्स, उन सब के साथ एक मीटिंग की है। कोई अहानत अंगेज गुफ्तगु है, शरंगेजी है, उससे बाज रहना है। डॉल्फिन की अलग से गश्त होगी, फ्लाइंग स्क्वाड की गश्त होगी। मजीद बनाइए कि मुहर्रम की कंटीजेंसी प्लानिंग भी हमारी सारी रेडी है। डीपीओ डीजी खान मुहर्रम में कयाम अम के लिए मुतहरिक, जुलूस के रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत, मुहर्रम में जाब्ते अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाने के अहकाम। वजारत इतलाक का 14 अगस्त की मुनासिब से आजादी ट्रेन चलाने का फैसला, 7 साल बाद चलने वाली आजादी ट्रेन 22 रोज तक ट्रैक पर गामजन रहेगी। कैरेज फैक्ट्री ने 10 जर्मन एसी कोचेज फराहमी की हिदायत कर दी। आजादी ट्रेन में जनूबी पंजाब की सकाफत को उजागर किया जाएगा।